दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका से हार कर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो राशिद खान ने भी कुछ ऐसा कह दिया ना, तिरंगा फहराने से लेकर पाकिस्तान के बाहर होने पर और भारतीय देश पर क्या पूरे सलाम कर जाएंगे। आखिरकार राशिद खान ने अपने बयान में पाक की हार पर क्या कहा, उनके बयान का फुल वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राशिद खान, हार्दिक पांड्या और बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम के बीच में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जो पाकिस्तान के लिए करो या मरो मुकाबले से कम नहीं था। एमए चिदंबरम स्टेडियम में जैसे ही दोनों टीमें आमने सामने आई ना, तो अफ्रीका की टीम जो जीत के घोड़े पर सवार थी उसके सामने पाकिस्तान ने तो आते ही घुटने टेक दिए थे। देखिए एमए चिदंबरम स्टेडियम में हाई स्कोरिंग मैचेस तो ज्यादा होते नहीं, फिर भी बाबर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत कुछ ऐसी थी कि किसी को देखना भी पसंद नहीं आया होगा। 9 रन पर शफीक तो 12 पर इमाम हुलक, बीच में बाबर ने 50 रन भले ही बना दिए, लेकिन इसके बाद कोई भी खिलाड़ी 21, 31 या 22, 23 रन से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाया, केवल शकील को छोड़कर जिन्होंने 52 और 42 रन बना दिए। दोस्तों आगे चलकर शादाब ने 270 पर यह टीम ऑल आउट हो चुकी थी, और दोस्तों मुकाबले में रन बनाकर नॉट आउट जाना और ऑल आउट होने में फर्क होता है, वो भी उस टीम के सामने जिसने इस बार के टूर्नामेंट में सबसे बड़े से बड़े स्कोर बनाए हैं, बड़े से बड़े स्कोर को छोटा भी बनाया है। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने इस लक्ष्य को चेज करते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत तो करी ही थी, क्योंकि हर एक खिलाड़ी था वो 28, 25, 21 के बीच में रन बना रहा था, और मैच विनर कराने वाले बने एक खिलाड़ी एडम मार्करम। दोस्तों भले ही दूसरे छोर से अफ्रीका के भी विकेट गिर रहे थे, 136 पर 4 उनके भी हो गए थे, लेकिन वहां से 206 तक ले जाने का सफर मार्करम ने तय कराया अपनी 88 रन की पारी के दम पर। इसके बाद 200 बाकी खिलाड़ी भी बीच में 29-30 रन लगाकर जा रहे थे, लेकिन आगे चलकर मुकाबला रोमांचक तब हो गया जब 67 गेंद में 28 रन चाहिए थे। वैसे तो अंतिम विकेट चल रहे थे अफ्रीकी टीम के, लेकिन जीत उन्हीं के लग रही थी, जिसके बाद बड़ी आसानी से मार्करम के शतक के दम पर इस मैच को जीत लिया अफ्रीका की टीम ने। हालांकि मुकाबला अंतिम ओवर तक गया, लेकिन जीता अफ्रीका ही। पाकिस्तान की हार से जितने खुश भारतीय है ना, उससे कई गुना ज्यादा खुश आज राशिद खान है, जो कि भारत के ही तो दूसरे भाई हैं, और पिछली बार उन्होंने पाकिस्तान को हराकर झंडा लहराया था। उस झंडे लहराने पर लेकर दोस्तों आज राशिद खान ने कुछ बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि राशिद ने पाकिस्तान के बाहर होते ही झंडा लहराने पर कहा, यह वाकई में एक अविश्वसनीय जीत है साउथ अफ्रीका की टीम की। देखिए पाकिस्तान की टीम को हराना आसान नहीं है, ऐसा हमें भी लग रहा था, लेकिन जब उस मुकाबले में हमने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया तो हम जीतते चले गए और पाकिस्तान हारता हुआ चला गया। सेम आज ऐसा ही साउथ अफ्रीका की टीम ने किया, लेकिन मैं खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगा शम्सी की और केशव महाराज की। देखिए अंतिम पलों में जब आपके सारे विकेट्स गिर जाएं और आप एक गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभानी हो, और सामने पाकिस्तान हो और वो पिच हो जहां पर बल्लेबाजी ज्यादा बेहतर दूसरी इनिंग में हो ही नहीं सकती, वहां पर मैच जीतना वाकई में क्रेडिट जाता है इन दो जाबाजों को। और मैं तो कहता हूं कि अफ्रीका की टीम ने जिस तरीके से मैच को जीता है ना, वो तो आगे चलकर वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम को हराकर उन्होंने किसी वर्ल्ड कप जीतने से कम कारनामा नहीं किया है। और जितना खुश मैं हूं, मुझे लगता है कि उतने खुश आज मेरे प्यारे भारतीय भाई भी होंगे। भारतीय फैंस का भी सीना फिर से चौड़ा हो चुका होगा, भाई पाकिस्तान की टीम की असलियत जो सामने आई है। और रही झंडा फहराने की बात, अरे मुझे मौका मिलता तो आज साउथ अफ्रीका की टीम की जीत के बाद ना मैदान में फिर से तिरंगे को लहरा देता, ताकि भारतीय टीम और भारतीय फैंस अच्छे से इस जीत को भी ना अफ्रीका की एंजॉय कर पाए और पाकिस्तान की हार को भी। मुझे लगता है कि इस बार का विश्व कप पूरी तरीके से भारत का है, मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। दोस्तों राशिद खान का यह बयान दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, राशिद खान और बाबर आजम में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।